एडीबीएफ रक्षाबंधन पर रक्तदान कर लिख रहा रिश्तों की नई इबारत। मौजूदा दौर में अपने निजी फायदे के लिए किसी का खून बहाना मानो बेहद आसान सा हो गया है, और जब रिश्तों में ही खून की आवश्यकता होती है तो सगा रिश्तेदार, भाई बेटा, पति पत्नी, बहन सब कतराने लगते हैं। ये काम इतना कठिन है उन्हें लगता है, लेकिन अगर इंसान चाहे तो इंसानियत का ये सबसे आसान काम करके अपना खून किसी जरूरतमंद को देकर उसकी जान को बचा सकता है। खून देकर मानवता के रिश्ते बनाना कितना सुखद है, इस बारे में सुनील ढिलीवाल और उनकी टीम एटीबीएफ से बेहतर कौन जानता होगा। ये टीम बीते कई सालों से देश भर में रक्तदान कर रिश्तों की नई इबारत लिख रही है। टीम द्वारा समय समय पर रक्षाबंधन, करवा चौथ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस जैसे त्योहारों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी इस टीम के सदस्यों ने लगातार लाइव रक्तदान कर लोगों की जान बचाकर मदद की थी, जो लगातार जारी है। देश भर में कई लोग इस नेक काम में ढिलीवाल के साथ जुड़ चुके हैं। रक्तदान के उनके काम को लोगों ने काफी सराहा, जिसके चलते टीम का कारवा बढ़ता चला जा रहा है। इस नेक काम से टीम को हिम्मत और बल मिलता है। टीम ने रक्तदान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिस पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है और रक्तदानी जरूरतमंद को रक्तदान करता है। टीम एटीबीएफ भाई बहन के अटूट बंधन रक्षाबंधन के त्योहार पर विशेषकर हमेशा अविस्मरणीय बना रहता है। इस रक्षाबंधन और आजादी के अमृत महोत्सव पर एटीबीएफ टीम ने शहर के खरडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया और रिश्तों की नई इबारत लिख डाली। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत और संस्थापक सुनील ढिलीवाल ने किया, जहां भाइयों ने मानव हितार्थ बहनों को रक्तदान का उपहार देकर रक्षा का संकल्प लिया। भाइयों की एक कलाई पर रक्षा सूत्र बंधा था तो दूसरी कलाई पर रक्तदान की थैली, जिसमें रक्त संग्रहित हो रहा था। वही लगातार बारिश ने भी टीम के जज्बे को कम नहीं होने दिया। टीम के अथक प्रयासों से 87 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया, जहां हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से कई भाइयों को निराश भी होना पड़ा तो वहीं उनको रक्तदान नहीं कर पाए, लेकिन एटीबीएफ टीम ने उनकी हिम्मत और जज्बे को वंदन कर उनका स्वागत किया। बारिश में भी टीम को लगातार अपनी सेवाएं देते देखा गया। एटीबीएफ टीम बताती है कि परेशानी के दौर में खून देकर किसी की जिंदगी बचाना हम सभी युवकों की खुशनसीबी है। हमारी टीम 24 घंटे रक्तदान के लिए तैयार रहती है। किसी भी शहर में जरूरतमंद का पता चलता है तो वहीं रक्त उपलब्ध कराना हमारी कोशिश होती है। वास्तव में मानवता की मिसाल और कार्य हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं टीम एटीबीएफ भी रिश्तों की नई इबारत लगातार हमेशा यूं ही लिखता रहेगा। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। पहले तो आचार्य से तुलसी ब्लड फाउंडेशन की ओर से सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और चूंकि अभी हमारा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, उसी कड़ी में हमने रक्षाबंधन पर्व पर यह भाई बहनों का कैंप आयोजित किया है। वैसे लगातार पिछले 6 सालों से हम इसी प्रांगण में यह कार्यक्रम करते आ रहे हैं, और यहाँ भाई और बहन दोनों पधारते हैं और एक दूसरे को राखी बांधने के साथ ही सारी व्यवस्था हमने यहाँ की हुई है। नारियल, मिठाई सभी यहीं होता है, और इस वर्ष की बात करूँ तो अभी तक 130 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। गत वर्ष इसी प्रांगण में 101 यूनिट रक्तदान हुआ था। हमारा हमेशा मोटिवेशन रहा है कि किसी भी प्रकार से लोग आगे आए, रक्तदान के प्रति क्रांति लाने का एटीबीएफ का हमारा मकसद रहा है, और हम कामयाब भी हुए हैं। जैसे करवा चौथ पर करते हैं, महिला दिवस पर करते हैं, तो सभी रिकॉर्डेड हुए हैं आज तक जितने भी कार्यक्रम। लेकिन यहाँ जो क्लाइमेट बनता है भगवान के मंदिर में आना, और यहाँ भाई बहन का बड़ा सुकून मिलता है, और खुशी खुशी भाई बहन यहाँ आकर के दोनों साथ में रक्तदान करते हैं, यादगार पल जीते हैं। तो मैं हमेशा यही चाहता हूँ, ब्लड मोटिवेशन तो ही है, लेकिन किसी न किसी बहाने से आप रक्तदान करते हैं, करते रहें, ताकि आप अप्रत्यक्ष तौर पर पीड़ित मानव सेवा में कार्य कर सकें। प्रेरणा तो आचार्य तुलसी की प्रेरणा से हमने आचार्य तुलसी ब्लड फाउंडेशन की स्थापना 2014 में की थी, और तभी से जन्मदिन को, बर्थडे को ब्लड डे मनाया हमने, फ्रेंडशिप डे को रक्त मित्र दिवस का नाम दिया है, करवा चौथ पे कर ही रहे हैं, और स्थापना दिवस जो हमारा होता है, और किसी का भी बर्थडे हो या श्राद्ध पक्ष हो, उस पर हम रक्तदान के लिए प्रेरित करके आज तक लगभग ज़्यादा नहीं तो 700-800 कैंप हम यहाँ चित्तौड़ में लगा चुके हैं, और आगे भी संभावना है हम बराबर इस प्रकार का कार्य करते रहेंगे और सेवाएँ देते रहेंगे।